अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा साल 2030 तक लाल ग्रह यानी कि मंगल ग्रह पर मानव मिशन भेजने की तैयारी में है। मंगल पर जाने और वहां से वापस धरती पर आने की ये यात्रा 3 साल लंबी हो सकती है। इतने लंबे समय के लिए अंतरिक्ष यात्रियों को खाद्य पदार्थ उपलब्ध कराना एक बड़ी समस्या हो सकती है। अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन यानी कि ISS में 340 दिन बिताने का रिकॉर्ड बना चुके अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री स्कॉट केली ने कहा, मिशन के दौरान हर दूसरे या फिर तीसरे महीने में मेरे पास ताजी सब्जियां और फल पहुंचाए जाते थे, लेकिन मंगल मिशन पर यह संभव नहीं होगा। इस समस्या को दूर करने के लिए वैज्ञानिक अंतरिक्ष में बगीचा बनाना चाहते हैं ताकि पैकेट बंद आहार पर अंतरिक्ष यात्रियों की निर्भरता खत्म हो सके। नासा पहले ही लेट्स यानी कि सलाद के तौर पर इस्तेमाल में आने वाली पत्तियां के साथ कुछ अन्य पत्तेदार सब्जियां अंतरिक्ष में उगाने में सफल हो चुकी है। अब वह पहली बार किसी फलदार पौधे को अंतरिक्ष में उगाना चाहती है। इसके लिए मिर्च के पौधे का चयन किया गया है। पृथ्वी पर अंतरिक्ष की तरह के वातावरण में इस पौधे को उगाने का परीक्षण जारी है। जल्द ही इसे अंतरिक्ष में भेजा जाएगा। वैज्ञानिकों का कहना है कि प्रयोग सफल रहने पर अंतरिक्ष में टमाटर, स्ट्रॉबेरी के साथ साथ आलू आदि उगाने के रास्ते भी खुल जाएंगे। अब आपको बताते हैं कि मिर्च को क्यों चुना गया है। अंतरिक्ष में उगाए जाने वाले पहले फलदार पौधे के तौर पर मिर्च का चुना जाना बेहद महत्वपूर्ण है। इनकी खेती पत्तेदार पौधों से काफी अलग तरीके से की जाती है और इसमें विटामिन सी की मात्रा बहुत अधिक होती है। यह पोषक तत्व अंतरिक्ष यात्रियों के लिए बेहद जरूरी है। अंतरिक्ष में सूंघने और चखने की क्षमता घट जाती है। ऐसी स्थिति के लिए मिर्च सहायक हो सकती है। दोस्तों आपको बता दें कि रूस के वैज्ञानिकों ने सबसे पहले की थी अंतरिक्ष में खेती। इस सदी के शुरुआती वर्षों में रूसी वैज्ञानिकों ने अंतरिक्ष में मटर उगाने में सफलता पाई थी। उसके बाद नासा लेट्स के साथ ही चीनी, पत्ता गोभी और अन्य सब्जियां उगाने में सफल हुई थी। अंतरिक्ष में अनाज उगाने के लिए अभियान से जुड़े नासा के वैज्ञानिक जॉय डी मासा ने कहा है कि हमारे पास भले ही कितने भी विकल्प हों, लेकिन सिर्फ पैकेट बंद आहार मंगल मिशन के लिए काफी नहीं होगा। अभी तक ऐसा कोई खाद्य पदार्थ उपलब्ध नहीं है जो इतने लंबे मिशन तक चल सके। ऐसे में अंतरिक्ष यात्री को खाने की कमी से जूझना पड़ सकता है। यह मिशन के लिए किसी भी लिहाज से सही नहीं होगा, इसीलिए अंतरिक्ष में भोजन उगाना जरूरी है। तो दोस्तों नासा अब अंतरिक्ष में मिर्च की फसल को उगाएगा। आपका इस बारे में क्या कहना है आप जरूर हमें कमेंट बॉक्स पर लिखकर बताएं। साथ ही दोस्तों इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। नमस्कार, जय हिंद।